तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। अगर गाइस आपको बता दूँ, अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो गाइस आज पता मेरे साथ क्या हुआ, आज तुम्हारा भाई उठ गया पूरे 5:30 बजे, क्योंकि 6 बजे मुझे घर से निकलना ट्यूशन के लिए। पहले ट्यूशन में जाना और फिर स्कूल में, तो मैं घर की यूनिफॉर्म वगैरह पहन के 6 बजे निकल गया मेरे घर से। जाते जाते बरसात हो गई, थोड़ी थोड़ी बूंदे वगैरह आ रही थी, तो देखा कि वो भाई ट्यूशन में गया। ट्यूशन में 15 मिनट बाद ही धड़ाधड़ धड़ाधड़ बारिश आनी स्टार्ट हो गई भाई। और जैसे ही बारिश आनी स्टार्ट होगी फिर भाई बोला, देखा गया भाई कोई भी नहीं जा रहा स्कूल में, स्कूल की ड्रेस पहन कर रखे, स्कूल में कोई भी नहीं जा रहा। और भाई क्या हुआ, फिर मेरा भी मूड चेंज हो गया, मगर भाई मैं भी नहीं आता स्कूल में। तो तुम्हारा भाई मनते ही लौट आया और सारे जने घर चले गए, सारे जने भाग के गए, ठीक है, मारा था रास्ते में। मेरे तो पूछे लग के लोग, भाई क्या हो गया, घर भी जा रहा स्कूल, स्कूल में तो निकाल देगा बाहर। मैंने कहा भाई ना गए उठते स्कूल से, तो बाहर निकालना मैं स्कूल में चल रहा भंडा था। और प्रिंसिपल सर ने ये कही कि क्या कहते हैं, 12 बजे आना विद फैमिली के साथ, 12 बजे तुम्हारा है नुकता। अब भाई चलो दिल भूल हो गया भाई, फिर कहने लगे कि भाई नुकता है 12 बजे, मगर भाई ठीक है आ जाएंगे और क्या। अपना नुकता किस चीज़ का है, आप दावा थोड़ी बहुत तगड़ी, दावत किस चीज की हो रही, दावत हो रही है यार, तुम सोच भी नहीं सकते इतना मस्त, मतलब खाने को मिल रहा है ना, तुम सोच भी ना सकते भाई, दावत हो रही है भाई, दावत इस चीज की हो रही है, दाल चावल। मगर सर जी दाल चावल मतलब पेट भर गया हूँ, घर पे ले जाऊंगा। तो गाइस ये हुआ मेरे साथ आज, देखो घर की यूनिफॉर्म में बड़ा मैं टाई वाई निकाल दी, बस पैंट शर्ट पहन के बॉडी डाल लेता हूँ। देखो उठाट टांगे पर टांग कैसे लेता हूँ। तो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और जो मेरे ब्लॉग पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करे, कमेंट करे, एंड क्या सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल बटन है इस पर दबा दो यार। ओके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।